पढ़ने में क्या होता है, परिवार का अगर सदस्य नहीं भी आता है तो भी घर बैठे उसकी चिकित्सा होती है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। में विजयलाल जायसवाल कपसेठी बनारस से आया हूँ गुरु जी। बताओ बेटा, बोलिए। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हर समय परेशान रहता हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ गुरु जी। ठीक है बेटा, सब कर पाएंगे, दरबार के नियम पालन करो, अपने आप कर पाएंगे। नौ हवन कर चुका हूँ गुरु जी। अच्छा है, कब किया था? अभी हो गया करीब। कहाँ तुम्हारे दिखाई दे रहे, आंखें बंद करो, देखा तुम्हारे पूर्ण? कब किए तुमने हवन गुरु जी? हम पितरपक्ष के पहले किए हैं। पितरपक्ष के पहले किए जी हाँ। फिर कहाँ चले गए? स्त्री किए जाए पुण्य इसके। पुण्य स्पष्ट किए जाए। आँख खोलिए। पुण्य तो बेटा दिखे नहीं रहे, कहीं पुण्य नहीं है गुरु जी? मैं न हवन किया हूँ गुरु जी। तो पुण्य नहीं दे रहा, हम क्या करें? तो गुरु जी क्या करें आप बताइए। तुम कब किए हवन यार? तुम बता तो रहे, पितृपक्ष के पहले किए हैं। पितृपक्ष के पहले तो 10 साल भी होता है, 20 साल भी होता है। इसी साल ये जुलाई पितृपक्ष। पितृपक्ष कर रहे हो? इसी पितृपक्ष के पहले किए गुरु जी। पहले कब शुरू किया था? पहले अब 16 जुलाई के यहाँ पहला हवन किए थे, इसके बाद आए एक महीने के बाद फिर ले जाके घर पे किए हैं। तो कहाँ चले गए उसके बाद? अब ये भाई गुरु जी हमें नहीं मालूम। नवंबर आ गया, नौ किए जुलाई अगस्त सितंबर, यही जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। आंखें बंद करो बेटा, तुम कहाँ खोल रहे हो? इसके हवन के पूर्ण अगस्त के पितर खाए हुए हैं तो वापस खींचे जाए। हवन बोल के चले गए इसके, इसके हवन पुण्य क्यों गायब हो गए? हाँ वो तो हम देंगे अलग है, लेकिन है कहाँ से? बड़ा धर्म संकट रहते कभी कभी ये लोग। पता नहीं क्या कर डाला है, कौन सा काम कर डाला। आँख खोलो बेटा। तुम कहीं जाते हो क्या कुछ करने, पूजा पाठ? नहीं कहीं नहीं, जब से यहाँ जुड़े हैं तब से गुरु जी कहीं नहीं गए हम। यहाँ जब से जुड़े कहीं नहीं गए हम। तुम्हारे सुबह शाम बाबा कहीं ध्यान करते वो हैं, ठीक है बेटा, लेकिन करते हैं। पितृपक्ष में क्या किया? अभी नहीं गुरु जी। पितृपक्ष में क्या पूजा की थी? कोई पूजा, बस बाबा की पूजा करते हैं बस खाली। यार लोग इतना शरीफ बन जाते हैं, एकदम से इतना शरीफ बन जाते हैं ये लोग। नहीं कुछ नहीं, अलग से कोई पूजा नहीं किए हैं। क्या बोले, उन्हें कहाँ चले जाएं? चलो यार पहाड़ में गया। ओम 5 हवन के पुण्य दिए जाए।
ओम और स्थिर कर दिया जाए। शिव बैलेंस। दरबार अगर और कोई पुण्य बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, ये इसकी कोई गलती ना हो। जो पीछे एक दैत्य दिख रहा है आगे लाए जाए खींच के। ओम नाक प्रहार आगे लाए जाए खींच के। ओम संघार। इसे माँ को खिला दिया जाए, उस दैत्य को माँ को खिला दिया जाए, इसके बच्चे हुए सर और से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार सांस के प्राण भी सब माँ को खिला दिया जाए। हाँ उनके पुण्य छुड़ाए जाए इससे। एक हवन का पुनः बढ़ा दिया जाए, छह हवन के पुण्य स्थिर कर दीजिए। बैलेंस। तीन बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बेटा। ठीक है बेटा, छह हवन के पुण्य तो आज स्थिर है। अच्छा आगे का अपना कर लेना लग के, इतना खींच खाँच तुम्हारे लाए हैं। क्यों तुम लोग छोड़ते हो बीच में यार, सब एक धर्म संकट पैदा करते हो। प्रक्रिया पूरी कर, दैत दानों सब रहते हैं बेटा, सब इस तरह की आसुरी शक्तियाँ रहती हैं, वो तुम्हारे सब खा जाती हैं। जब देखते हो दरबार से टूटते हो तो अलग हो जाते हो, परिवार लोग कुछ ना कुछ किया करते हैं नाटक, मौका पाते हैं तब चपेट लेते हैं आपके। दरबार से एक बार जुड़िए, अपने कार्यक्रम पूरा करिए, तब पानी पीजिए आखिरी में। गुरु जी आप लोग क्या होता है दिखता तो है नहीं, अगर आप लोगों को इस दृष्टि से दिख जाए ना कि समस्या क्या है, तो आप लैट्रिन सवेरे बाद में जाओगे, पहले सब करके उसके बाद पानी पियोगे, समझ गए? लेकिन क्या होता है यार, चलो ठीक है देख लेंगे, इसको सेकेंडरी मानते हो तुम। प्राथमिकता पे अगर रखो इसको तो दुनिया भर के कोड़ नहीं पड़ जाए, होने वाले नुकसान से बच जाओ तमाम। लेकिन आप लोग अंदर की गंदगी ऐसी रहती, खूब घुमाती है आपको, चलो यार कर लेंगे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, अभी ये दिक्कत अभी वो दिक्कत है। अरे जो मेन दिक्कत है जिसके कारण दिक्कतें आ रही उसको ख़त्म नहीं करते हो, और दुनिया भर के काम करते रहते इधर उधर उल्टा सीधा। चलिए बाकी अपने आगे क्या करना है गुरु जी, अब आगे वहाँ चले जाइए, अब इतना घी तो नहीं खाते।